हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रॉक ऑन पहाड़ी 2.0 में। दोस्तों, आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम कृष्णा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आज अपने बदानपट्टी के फेमस मेले में जा रहे हैं। नंदकेसरी मेला है और हम अपने गाँव कश्मीनगर से निकल चुके हैं पैदल अभी। और यहाँ देखिए, बिल्कुल चारों तरफ देख सकते हैं आप, बिल्कुल पेड़ पौधों से और शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन के बीच में हम अभी जा रहे हैं। और यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल फिसलन बड़ा है। अगर कोई गिर गया तो भाई साहब, ये भाई मेरी कमर पीड़ा हो जाएगी यहाँ अभी अभी। तो दोस्तों यार, हमारा ये जो गांव है वहाँ से हम सीधे पहले एक बार थराली जाएंगे। वहाँ थराली पहुँचने के लिए हमको लगभग 4 किलोमीटर की ढलान भरी पैदल चलना है। और फिसलन तो आप कह नहीं सकते हैं कि क्या कमर समर सीधी हो सकती है हमारी। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में आके बने रहिए। और एक हमारे साथ एक भाई है, उसकी कला को हम आप सभी को दिखाते हैं। देखिए उनकी किसकी कला, किस प्रकार से वो जो है कि वाटर ड्रॉप की आवाज़ निकालता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुको जरा। बुला, रुक जा। ये देखिए, ये है अपना प्रिंस भाई। और ये जो है कि पानी की बूंद की आवाज़ अपने मुँह से निकाल लेता है। तो आप निकालने का कष्ट करेंगे? और कुछ, ये बबल्स की आवाज़ भी निकालते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके अंदर काफ़ी अच्छी कला भरी हुई है। ये प्रिंस भाई है अपने, काफ़ी अच्छा कला इनके अंदर भरी है यार, काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए, ये जो हम पहले जब स्कूल में रहा करते थे तो इस पैदल रास्ते से हम स्कूल के लिए जाया करते थे। बहुत ही अच्छी यादें छुपी होती हैं यार स्कूल के टाइम की। इस समय पे जब आदमी यहाँ पे थक जाते थे, हम बहुत चूर हो जाते थे, तो ये जो पत्थर था हम यहाँ पे बैठा करते थे, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे पहले पेड़ का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, बिल्कुल लाल लाल की तरह जैसे खून जैसा यहाँ से निकलता था। और ये देखिए, यहाँ पे हरचंद पे पहुँच चुके हैं हम अभी। ये हरचंद की स्कूल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल आजकल हरियाली हरियाली छाई हुई है। और थोड़ा सा आप सुबह शाम के समय में हमारे गांव में ठंड भी प्रारंभ हो चुकी है। और ये देखिए आप, आजकल ये धान वान भी अब होने लग गए हैं धीरे धीरे, और कोद झंगोरू भी अपना बिल्कुल होने लग गए हैं। तो एक गाना भी है ना इस पर, कोद झंगोरू साटी उड़ खड़िया कुटोनियनी, ऐसा वाला गाना है, शायद एक आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पे है, ये पिंडर नदी है, ठीक है। और ये अपना थाला का डीप है यहाँ पे इधर, और ये अपना लुल्टी गांव, प्यारा सा सुंदर सा लुल्टी का गांव। पहले से जो यार, जब हमारे गांव में रोड नहीं हुआ करती थी तो हम यहीं से सामान लेके आया करते थे। ये लुल्टी गांव है ना जो यहाँ पे, यहाँ से लिया करते थे हम सामान, यहाँ से पैदल पैदल। अभी आगे जाके दिखाता हूँ कि हम कहाँ तक, ऊपर तक जो है कि पैदल सामान ले के जाया करते थे। और ये आप देख सकते हैं, ये तुंगेश्वर का गांव है, तुंगेश्वर गांव है। और यहां से भी हम पैदल ऊपर को जाया करते थे सामान लेके, यहां से हो गया। और आपको ये वाला ऊपर दिख रहा होगा यहां पे, तो हम यहां पे जाया करते थे सामान लेके जब हमारे वहां पे रोड नहीं हुआ करती थी। तो अभी हम उसी जगह से यहां के तुंगेश्वर के लिए प्रस्थान किए हैं। और लोगों के देख सकते हैं आप, इसके बाद यार 1 महीने बाद बहुत ही ज़्यादा काम होता है इस क्षेत्र में, क्योंकि सबकी कटाई वटाई, मतलब जो घास वास होते हैं ना, वो सारे तैयार हो जाते हैं। फिर 1-2 महीने के लिए सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों यार, हम आज जो है कि वहाँ नंदकेसरी मेला जा रहे हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा आप सभी के लिए थोड़ा सा यार चलते चलते एक वीडियो भी बना लेते हैं, और यहाँ के कुछ सुंदर से नज़ारे और यहाँ की कुछ जानकारी भी देंगे कि आप कौन सी जगह को क्या कहते हैं करके। और लोग पहले किस समय, हाँ, मैं जो है कि जब रोड नहीं हुआ करते तो कैसे सामान लेके यहाँ से जाया करते थे, ठीक है। तो यार आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही मज़े आने वाले हैं आज आप सभी को।
सबसे बड़े यूट्यूब मिल हम तू भी जो ना अभी चुन।